कि जब हम सर्वोच्च न्यायालय में इनके ये लोग जब सर्वोच्च न्यायालय में गए थे तो दो विषय थे, एक तो हमारे माननीय उपाध्यक्ष पर उन्होंने अविश्वास जताया था, उन्होंने कहा था इनको इस पद से दूर हटाइए, तो उसका उसके बारे में उन्होंने कहा था। और दूसरी बात, हमने जो नोटिस उनको दी थी हमारे विप ने कि मीटिंग में हाजिर हो जाए नहीं तो हम डिस्क्वालीफाई करने के बारे में हमने पिटीशन की थी, तो माननीय उपाध्यक्ष ने उनको पिटीशन दे दी थी और कहा था 3 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए, तो उसको लेकर वो सर्वोच्च न्यायालय में गए। सर्वोच्च न्यायालय का शुरुआत तो ऐसी थी कि भाई आप हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए, उच्च न्यायालय में क्यों नहीं गए, लेकिन वहाँ उसके बाद में बहस हुई। बहस में हमारे आदरणीय सब एक याद मत दिलाता हूँ कि हमारे राज्यसभा के सभापति आदरणीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने एक जो शरद यादव जी की केस थी वो तो हमारे हाउस के बाहर की बात थी, राज्यसभा में कुछ नहीं हुआ था, वो उनके पार्टी के सदस्य थे, वो जाकर लालू यादव की जी के इस रैली में जाकर उपस्थित हुए, तो वहाँ से इन्होंने उनकी उनकी पार्टी जो है उन्होंने कंप्लेन कर दी और उसका सदस्यत्व रद्द करने की बात की, तो माननीय वेंकैया नायडू जी ने बाहर के इस विषय को लेकर उनका सदस्यता रद्द की थी। ये मसला है ना सही, तो इसका मतलब उपाध्यक्ष जी का उपसभापति का सभापति के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी। इसके बावजूद ये बात जब आई तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है इनको समय कम दिया है, आप समय दीजिए 11 जुलाई का। तब हमारे वकील साहब ने उनसे पूछा कि अगर दरमियान कोई कुछ बात कदम उठाता है, अगर ये कहेंगे फ्लोर टेस्ट करो है ना सही, तो इसका मतलब उपाध्यक्ष जी का उपसभापति का सभापति के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी। इसके बावजूद ये बात जब आई तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है इनको समय कम दिया है, आप समय दीजिए 11 जुलाई का। तब हमारे वकील साहब ने उनसे पूछा कि अगर दरमियान कोई कुछ बात कदम उठाता है, अगर ये कहेंगे फ्लोर टेस्ट करो तो फिर क्या करेंगे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था आप दोबारा अपने दरवाजे बंद हैं, हमारे दरवाजे खुले आप आ सकते हो। अब वही तो बात थी और आप दुनिया को समझ में आ रही कि इसके पीछे बीजेपी कैसी थी। अभी इतने जल्दबाजी में जो राज्यपाल हमारे माननीय राज्यपाल जी के पास इस सरकार ने 12 विधान परिषद के सदस्यों के नाम देकर 2 बरस तक उन्होंने उसे मान्यता नहीं दी, संविधान को भी नहीं माना, क्योंकि संविधान में एक ही छोटी सी चीज़ रही गई है कि अगर कोई आए इस तरह के सिफारिश अगर आती है तो कितने समय में करना है, ये कोई बंधन उन्होंने राज्यपाल पे नहीं रखा था। उसका फायदा लेकर एक संकेत है, परंपरा है, उस परंपरा के मुताबिक राज्य की सरकार जब देती है तो सिर्फ गवर्नर साहब को उसकी सहायता करके मान्यता देनी होती है, वो परंपरा को छेद दिया, संविधान को तोड़वाया, ये सब करने वाले लोग और क्या करेंगे। अब कल एक दिन में गए, एक ही दिन में वापस सरकार को कहते 30 तारीख, वो भी तारीख देकर कहते 30 तारीख को आप ले लो अधिवेशन बुलाइए और सत्र में जाकर फ्लोर टेस्ट कराइए अपनी मान्यता आपके पास विश्वास दर्शन के बारे में। अब इसके लिए जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था तो उसको लेकर हमारे वकील आज हमारी पार्टी आज सर्वोच्च न्यायालय के पास गई है, आपने 11 जुलाई तक का समय दिया है,